सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल ऑफ दिस चैनल। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हम कैसे क्लिकबेट थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं लाइक गेमएक्स प्रो, सेवो एंड लेविन हो। सो अगर हम बात करें एक क्लिकबेट थंबनेल होता क्या है, सो उसको समझाने के लिए अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सेवो का ये थंबनेल लूं, सो ये थंबनेल पहले कुछ ऐसा दिख रहा था पर बाद में इससे कुछ ऐसा बना दिया गया है। तो इसमें किया क्या गया है, ये सारे जो पैरासोर्स में दिख रहे हैं ये सब अलग से ऐड किए गए हैं और कॉपी पेस्ट किए गए हैं। इनकी पीएनजीज पहले बना के रख ली गई हैं दूसरे स्क्रीनशॉट से, उसके बाद में दूसरे स्क्रीनशॉट में लाइक इसमें इसको ऐड कर दिया गया है। सो ऐसा देखने में लग रहा है कि इस स्क्रीनशॉट में इतने सारे एनिमीज हमें देखने को मिल रहा है। सो आज किस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस तरह के क्लिकबेट थंबनेल्स हम कैसे बना सकते हैं और कैसे हम एनिमीज की पीएनजीज को क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस थंबनेल को बनाने के लिए हम फोटोशॉप सीसी का यूज नहीं करने वाले, हम यूज करने वाले पिक्सआर्ट का जो कि सबके पास अवेलेबल होता है, इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाता है। फोटोशॉप सीसी सब में वर्क नहीं करता, इसलिए हम उसका यूज आज नहीं करेंगे। पर ट्यूटोरियल में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। सो जल्दी से चलते हैं अपने ट्यूटोरियल में एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे एनिमीज की पीएनजीज बना सकते हैं ताकि हम उनको अपने दूसरे स्क्रीनशॉट्स में ऐड कर सकें और थंबनेल्स को क्रिएट कर सकें। सो मेरे पास कोई एग्जांपल के लिए स्क्रीनशॉट तो है नहीं, इन दोनों मैं पबजी भी नहीं खेल रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल एक थंबनेल ले लेता हूँ, मैंने ये लेविनो का थंबनेल डाउनलोड किया है और इसी को फॉर एग्जांपल लेके हम देख लेंगे कि हम कैसे एनिमीज की पीएनजीज बना सकते हैं। सो लाइक हमने इस थंबनेल को यूज़ किया और हम समझ लेते हैं ये हमारा स्क्रीनशॉट है। आपके स्क्रीनशॉट में जो भी एनिमीज हो उनको आपको इस पिक्सआर्ट में ऐड कर लेना है, उस स्क्रीनशॉट को। उसको हमें जाना है ड्रॉ पे जाना है और ड्रॉ पे जाने के बाद में यहाँ पे हमें अपने इस थंबनेल वाले मतलब कि हमारे स्क्रीनशॉट वाले लेयर को चूज़ करना है और ऊपर वाले लेयर को हम सबसे पहले एक ब्लैक कलर फिल कर देते हैं, उसको हम कर देते हैं अपने इस थंबनेल के नीचे। उसके बाद में ऊपर वाले लेयर को हमें सेलेक्ट करना है और इन एनिमीज का जितना भी बैकग्राउंड है हमें रिमूव कर देना है। तो हमें चूज़ करना है इस इरेजर वाले टूल को, उसका हमें इसका साइज हमें थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, उसे सेट कर देना। अभी हम अपने इस एनिमी का सारा बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं जल्दी से। इस पार्ट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो मैं जल्दी से इसको स्किप कर देता हूँ। सो मैंने रफली इस अपने एनिमी का सारा बैकग्राउंड इरेज कर दिया। सो और भी एनिमीज इसमें थे तो पर मैं जल्दी के लिए सिर्फ एक ही एनिमी का बैकग्राउंड इरेज कर रहा हूँ, आप बाकी के सारों का कर लीजिएगा खुद से। मैं जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे इस एनिमी का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा ये ऊपर वाले इसका सारा कुछ बैकग्राउंड इरेज हो जाए, हम नीचे वाले लेयर को डिलीट कर देंगे और ये कुछ हमारा एनिमी सिर्फ फॉर एज ए पीएनजी बचेगा। उसको हमें सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इस इमेज को हमें सेव कर लेना है। सो इस तरह से हमें क्या करना है, फेक एनिमीज की पीएनजी इसको क्रिएट कर लेना है बहुत सारी और उसके बाद में हमारा जो मेन स्क्रीनशॉट होगा, सो हम अपने मेन स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेते हैं इस अपने पिक्सआर्ट में। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ और जैसे ही अब हमारी ये पीएनजीज क्रिएट हो जाए तो कुछ मैंने फेक एनिमीज और पैरासूट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में हमें अपने मेन स्क्रीनशॉट को ऐड करना है। सो लाइक मैं फॉर एग्जांपल ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ पे अभी तो आपको कोई सा भी एनिमी नहीं दिख रहा है आसमान में। सो जो भी हम पीएनजीज क्रिएट करेंगे लाइक इन पैरासूट्स का पीएनजी मैंने क्रिएट किया, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको हमें रिसाइज करना है और रिसाइज करके हमें प्लेस कर देना अपने इस आसमान वाले एरिया में और सिंपली टिक मार्क कर देना है। तो ये हमारा क्लिकबेट थंबनेल क्रिएट हो चुका है बहुत ही ईजिली, सारे आसमान में पैरासूट्स आ गए फेक। सो अगर हम चाहें तो अपने इस थंबनेल को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम इसमें कुछ एनिमीज भी ऐड कर सकते हैं, लाइक अभी जो हमने एक एनिमी का पीएनजी क्रिएट किया था हम उसको क्या करते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं और उसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं कुछ ऐसे और इसे हम टिक मार्क कर देते हैं। एक हमारा एनिमी यहाँ पर प्लेस हो चुका है। तो इस तरह से हम एक बार फिर से हम जाएंगे ऐड फोटो पे और ये कुछ मैंने पहले से पीएनजी बना के रखी हुई है, सो हम इसको भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, रिसाइज करके इसको हम टिल्ट कर देते हैं, टिल्ट बोल रहा हूँ, इसे हम रोटेट कर देते हैं, इसे फ्लिप कर देते हैं सॉरी, और फ्लिप करके इसे हम यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेस कर देते हैं, उससे भी हम टिक मार्क कर देते हैं। ये कुछ हमारा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गया थंबनेल। सो मैं एक बात और बता दूँ, अगर आप ऐड फोटो पे जाके इन एनिमीज को ऐड करते हो तो इन एनिमीज को आप कुछ थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हो, लाइक इसको इस तरह से आप इनको फ्लिप कर सकते हो, यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। उसके बाद में आप इरेजर टूल पर क्लिक करके इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर से जाते हैं ऐड फोटो पे, उसका मेन एनिमीज को ऐड कर देते हैं और यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जाएंगे इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे और हमें जितने एनिमीज चाहिए हम उनको रख सकते हैं और बाकी एनिमीज को हम इरेज भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे हाथ के ऊपर इसका हाथ आ गया तो हम इसको भी इरेज कर सकते हैं।
तो ये सारा काम भी हम कर सकते हैं अपने इरेजर टूल का यूज़ करके, और इस तरह से हम इजीली क्लिकबेट थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने इस एंड्रॉइड डिवाइस में यूजिंग पिक्सआर्ट। सो कुछ फेक एनिमीज, कुछ फेक बॉक्सेस और कुछ फेक पैरासूट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कैसे एज अ पीएनजी उनको सेव कर सकते हैं बना के। सो अगर वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं जल्दी से मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।